हेलो एवरीवन, बहुत लंबे इंतजार के बाद द मच अवेटेड ब्लैक विडो स्टारिंग स्कारलेट जॉनसन अब अगले महीने सिनेमा हॉल्स और डिज्नी प्लस में रिलीज होने जा रही है, जिसको लेके मार्वल फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। एज वी ऑल नो, एवेंजर्स एंड गेम में सोल स्टोन को पाने के लिए ब्लैक विडो खुद को सेक्रीफाइस कर देती है, तो जाहिर सी बात है कि इस फिल्म की कहानी एंड गेम्स और इन्फिनिटी वॉर से पहले की होगी। फर्स्ट मई 2020 की रिलीज डेट कोविड लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन्ड होते होते अब इस साल 9 जुलाई 2021 को फाइनल हुई है। एमसीयू टाइमलाइन में ब्लैक विडो की कहानी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बीच की है। अगर आपको याद हो तो सिविल वॉर के दौरान एवेंजर्स दो ऑपोजिट टीम्स में बट गई थी, एक टीम आयरन मैन और दूसरी टीम कैप्टन अमेरिका, जिसमें ब्लैक विडो पहले आयरन मैन की तरफ थी लेकिन बाद में वो कैप्टन अमेरिका को भागने में मदद करती है। जब शील्ड को ये पता चलता है तो नताशा रोमानोव को एवेंजर्स छोड़कर चले जाना पड़ता है। इसके बाद उसके जीवन में इन्फिनिटी वॉर से पहले तक क्या हुआ, ब्लैक विडो उसी की कहानी है। एमसीयू में स्कारलेट जॉनसन ने अपनी पहचान ब्लैक विडो के रूप में एस्टैब्लिश कर ली है। आई थिंक ये कहना अब सेफ होगा कि जिस तरह ह्यूज जैकमैन वोल्वरीन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन और क्रिस एवंस कैप्टन अमेरिका के रूप में दुनिया के कोने कोने में जाने जाते हैं, स्कारलेट जॉनसन ने भी अपनी यह पोजीशन सेफ कर ली है। ब्लैक विडो इज टफ, स्ट्रांग एंड ब्यूटिफुल। इनफैक्ट शी इज द ओनली सुपर हीरो इन द एमसीयू एवेंजर्स जिसमें कोई सुपर पावर नहीं है। मार्वल में वैसे तो फीमेल प्रोटैगोनिस्ट यानी कि लीड कैरेक्टर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन ब्लैक विडो मेरा मानना है कि सबसे अलग है और बेहद इंटरेस्टिंग है उसकी ओरिजिन स्टोरी, जो कि अभी तक के किसी भी मार्वल मूवी में क्लियरली नहीं दिखाई गई थी, एक्सेप्ट फ्यू ग्लिम्सेस इन द एज ऑफ अल्ट्रॉन। तो आइए शुरू करते हैं द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द मूवी एंड द कॉमिक बुक वर्जन ऑफ ब्लैक विडो। ब्लैक विडो के क्रिएटर हैं स्टैन ली, डॉन रिको और डॉन हैक। उसकी पहली कॉमिक बुक आई थी 1964 में बाय द नेम टेल्स ऑफ सस्पेंस नंबर 52। अपने इंट्रोडक्शन में ब्लैक विडो को एक रशियन स्पाई के रूप में दिखाया गया था जो कि आयरन मैन की विलन थी। नताशा रोमानोव इज एन एक्सपर्ट इन मार्शल आर्ट्स, स्नाइपर एंड ऑल्सो यूजेज अ बिट ऑफ हाईटेक वेपनरी, अपनी कलाई पर बांधे जाने वाले एनर्जी वेपन्स जिनको कॉमिक बुक्स में विडो बाइट के नाम से जाना जाता है। हर सुपरहीरो को आइकॉनिक बनाती है उसकी कॉस्ट्यूम। ब्लैक विडो को हम उसकी ब्लैक कॉस्ट्यूम से जानते हैं, पर क्या आपको यह पता है कि अपने सबसे पहले अपीयरेंस में ब्लैक विडो को यह कॉस्ट्यूम नहीं मिली थी? इट वॉज इन द अमेजिंग स्पाइडरमैन नंबर 86, जिसमें नताशा रोमानोव को अपने वेल नोन लुक में देखा गया। नताशा रोमानोव की ओरिजिन स्टोरी एमसीयू में अब तक नहीं दिखाई गई है, और इंडिया में जैसा कि हम सब जानते हैं कि कॉमिक बुक सुपर हीरोज़ को कॉमिक बुक्स से ज़्यादा मूवीज़ में देखा और जाना जाता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को उसकी ओरिजिन स्टोरी जानने के लिए ब्लैक विडो मूवी का इंतज़ार है। कॉमिक बुक्स के एक वर्जन में दिखाया गया है कि 1928 में स्टालिनग्रैड के युद्ध के दौरान नाज़ीज़ ने जब एक बिल्डिंग को आग लगा दी थी, तब नताशा की मदर ने उसको बचाने के लिए उसे एक रशियन सोल्जर को सौंप दिया था जिसका नाम आइवन पेट्रोविच था। लेटर ऑन वो ही नताशा को अडॉप्ट करके एक बेमिसाल रशियन स्पाई के रूप में ट्रेन करता है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान नताशा रोमानोव को बायोलॉजिकली एनहेंस किया गया, जिससे उसे एक लंबी लाइफ स्पैन मिली और वो हमेशा यंग रही। ऑब्वियसली ये पार्ट अभी तक मूवीज में एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इसके साथ ही उसमें फेक मेमोरीज भी इम्प्लांट की गई थी ताकि वो कभी ना सच जान सके ना बता सके, और इस प्रकार से नताशा रोमानोव बन गई ब्लैक विडो। इट वॉज इन एवेंजर्स इशू नंबर 29 जिसमें ब्लैक विडो ने एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन किया। तो ये थी ब्लैक विडो की ओरिजिन स्टोरी बोथ इन द मूवीज एंड इन कॉमिक बुक्स। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद द वीडियो विद अदर्स। थैंक यू सो वेरी मच।